हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक टॉपिक देखेंगे, नमामि गंगे, और ये क्यों अभी चर्चा में बना हुआ है उसी के बारे में देखते हैं। नमामि गंगे उत्तराखंड में 6 नई परियोजनाएं हैं उसको लेकर है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछ लिए जाते हैं और करंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लें। के जरिए किया था ये 6 मेगा परियोजनाएं उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत अलग अलग शहरों में भी मौजूद हैं। इन परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव जन संस्थान की ओर से प्रकाशित पुस्तक रोव इट डाउन द गंगा का विमोचन भी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है, इसको आप इस तरीके से मान के चलिए। तो करंट के जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर इसे अवश्य लिख लें। नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं के अंतर्गत 68 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले, कई बार ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं वाले एक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र STP का निर्माण हरिद्वार के जगजीतपुर में 27 MLD क्षमता वाले अपशिष्ट जल संशोधन संयंत्र का अपग्रेडेशन और हरिद्वार के ही सराई में 18 MLD क्षमता वाले अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। यह क्या है और यह जो भी कार्य है वो सारे क्या है, PPP मॉडल पर आधारित हैं। PPP का क्या मतलब है आपको पता ही होगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हरिद्वार के चंद्रेश्वर नगर में मुनि की रेती शहर में 7.5 MLD क्षमता वाला अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र देश का पहला ऐसा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र है जो 4 मंजिला है। 4 मंजिला शोधन संयंत्र बनाने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो भूमि है उसकी कम उपलब्धता का होना। प्रधानमंत्री द्वारा गंगा अवलोकन के नाम से एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है। किसके नाम से? गंगा अवलोकन के नाम से। यह संग्रहालय हरिद्वार के चंडी घाट में स्थित है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है और यहाँ से करंट में बहुत ज़्यादा उठ सकते हैं प्रश्न। यह संग्रहालय गंगा नदी को समर्पित अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। इस संग्रहालय के जरिए लोगों को गंगा नदी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस संग्रहालय में गंगा नदी की जैव विविधता, उसके पुनर्नवीनीकरण और संस्कृति के बारे में भी लोगों को जानकारी मुहैया कराई जाएगी। नमामि गंगे परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा साल 2014 में शुरू किया गया था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं और इसका उद्देश्य गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को संरक्षित करना था। इस योजना को लागू करने का कार्य केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय का है। जुलाई 2020 में विश्व बैंक ने 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए के अनुदान की मंजूरी दी थी। 45 अरब रुपए की ये रकम कर्ज के तौर पर विश्व बैंक ने 5 सालों के लिए मुकर्रर की है। अब तक इस मिशन के तहत विश्व बैंक ने 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिमालय के ग्लेशियर गौमुख से निकलती है और मैदानी भाग में सबसे पहले ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो ये पूरा वीडियो था नमामि गंगे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।